सबको लगता है ऑप्शन ए होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, तो जब भी ट्यूब से अगर बॉल निकलेगा, ठीक है, ऐसा भी ट्यूब ले लो, जब भी ट्यूब से बॉल निकलेगा तो हमेशा कैसे निकलेगा? ऑप्शन ए। हाँ वेरी गुड, हमेशा निकलेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे देखोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर कर्व पाथ पे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, किसी भी कर्व पाथ पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा क्या होगा, उसके टेंजेंशियल होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट केस में क्या है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या है, अलोंग द टेंजेंट है, बाकी किसी केस में नहीं है, ठीक है। इस केस में डाउनवर्ड है, इस केस में कुछ ऐसा है, इस केस में कुछ ऐसा है, क्या होगा डायरेक्शन? हमेशा ए होगा। ऐसा क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ आपको एक चीज सिखाना था कि कभी भी कर्व पाथ पे देखोगे, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे, हमेशा वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसके डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ये क्वेश्चन देने का सिर्फ सिर्फ एक ही मतलब था कि आपको बताएं कि हर पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले, क्वेश्चन बेस्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं और उस टाइम पे बताया था कि सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तब भी ये टर्म आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नोट करते चलोगे, लिखते चलोगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं? अरे बोलो, कसम खा के आते हो क्या? नहीं बोलेंगे आज स्मिता कृष्ण मोदी। यस सर, आएगा तभी। सुदीप तुमको तो आता होगा, विवेक कौन है नया? सर नया नहीं सर, बैकलॉग लगा। अच्छा, दोनों सपाटी हो, विवेक और सुदीप। बाकी यहाँ यहाँ वाले बच्चे कहाँ गए जो पहले से कर रहे थे? दो तुम लोग आए तो दो बाकी गायब हो गया। बढ़िया है, फिर अगला बार आएगा ना घूमते फिरते। कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहा है जी, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ज्यादा पढ़ लिया इन लोग, हर जगह पर कंजर्वेशन लगा देता है कि बैलेंस रहना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये टर्म आपको बहुत फैमिलियर है, जो आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे तब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है। सपोज जब कोई पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, किसी भी स्टेट पे देखोगे, सपोज दैट मानते हैं पॉइंट पी है, इस स्टेट पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ध्यान रखना हमेशा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग ए परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, ए परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। और आपको पता है अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू कितना होता है, ए परपेंडिकुलर की बात करें, ये बेसिकली कौन सा हो गया, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। अगर आप देखोगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ए रेडियल डायरेक्शन हो गया ना, ए टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, ए रेडियल डायरेक्शन हो गया। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, और अपने को पता है ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोल ले, ये कितना होता है, तो होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पार्टिकल जिस भी सर्कुलर मोशन पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे पार्टिकल जो भी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा, जो भी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा, उसका जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी एक कर्व है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जिस भी कर्व पार्ट पे मूव कर रहा होगा, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, उसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो यहाँ पे बेसिकली आर है वो क्या, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी को टेंजेंट मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी को टेंजेंट मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे कितना है। और आपको पता है
ये बेसिकली कौन सा एक्सेलरेशन है, जो होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का निकालना होगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर क्या है, ये है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये क्या है, ए परपेंडिकुलर क्या है, ए परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, टू वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन कंपोनेंट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना क्या है, बड़ा सिंपल काम है। सिंपल क्या करना है आपको, जी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, जी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, जिसमें से क्वेश्चन है। ए बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ए बात समझ में आ रहा है। यहाँ जो भी है क्या है, बेसिकली स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ए क्या है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एक एग्जांपल देके देखते हैं, उस एग्जांपल में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। अभिषेक तुम लेट आया क्या? यस सर। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है, मतलब मजाक चल रहा है क्या? ऐसे बोलता था, गुस्सा होता है। लेट हो गया थोड़ा। इससे पहले वाला क्लास भी लेट आया था? उसमें भी लेट थे। क्यों मतलब? लेट कम हो? नहीं, कॉलेज में करना है सब? नहीं सर, आज ही हुआ बस। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहले बताया बिना इन्फॉर्मेशन के गायब हो गए, अलाउ नहीं करेंगे। तुम लोग बहुत मजाक में लेते हो पढ़ाई को। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेस्ट क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, एट एंगल थीटा मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत देखे हैं, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। पार्टिकल मूव कैसे करेगा, पार्टिकल का जो पाथ होगा ऐसा मूव करेगा, पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, बहुत देखे हुए प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसका क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है किधर होता है, इस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेलोसिटी का देखोगे तो हमेशा क्या है, दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, यू साइन थीटा होता है क्या, जीरो हो जाता है, और सिर्फ कौन सा बचता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बचता है, यू कॉस थीटा वाला बचता है, क्योंकि एक कंपोनेंट तो कभी भी जीरो नहीं होता, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है, एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी बचा क्या बचा, यू कॉस थीटा बचा, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या देखोगे, वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ध्यान देखना, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे देखोगे तो एक्सेलरेशन किधर है, तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे देखोगे जी की वैल्यू क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, जी की वैल्यू क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है किसी भी पॉइंट पे देखोगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे तो ऑलरेडी क्या है, जी यू कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है, क्योंकि यू कॉस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है,
और जी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऑलरेडी दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ तो आपको कोई भी लोड नहीं आएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर है एट हाइएस्ट पॉइंट यू कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर, कितना आएगा, जी आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट पे आपको स्पीड पता होना चाहिए और स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर कर दोगे आपको क्या जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं सर, करोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में बेस्ट है। बोलता है कि इसी क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, जब वेलोसिटी क्या करे थीटा बाय 2 एंगल बना रहा हो विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसी क्वेश्चन में इसको ट्राई करो जरा खुद से। यहां पे तक नोट कर लेना, नोट करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं सर। वेरी गुड। इसी क्वेश्चन में बोलता है, सेम क्वेश्चन है, इनिशियल स्पीड यू है, एंगल थीटा है और ये क्या कर रहा है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहा है। बोल रहा है कि उस टाइम पे निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब क्या करे वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा होगा, ये हमारा मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है थीटा बाई टू। ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बाई टू एंगल बना रहा है, ये दिख रहा है थीटा बाई टू लिखा मैंने, थीटा बाई टू बना रहा है, उस टाइम पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस टाइम पे। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके अलोंग आपको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए होगा, इसके अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए होगा, कैसे निकालेंगे सर, कर्सर से बताइए ना। अच्छा अच्छा, इसको डिलीट कर दे, देखो देखो फिर से देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे मूव करेगा विद इनिशियल स्पीड यू और एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, कब, जब वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा हो थीटा बाई टू बना रहा हो विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पे, ये हमारा पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे मान लेते हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा, इसका टेंजेंशियल होगा, और ए वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, ए बना रहा है थीटा बाई टू एंगल बना रहा है, मान लेते इसी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बाई टू बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको जी पता है कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पता चल जाए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट पता चल जाए एक्सेलरेशन का, अपना काम आसान हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, अपना काम क्या जाएगा, आसान हो जाएगा। एक कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपने को पता क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, लिख नहीं हो रहा, अगर सॉल्यूशन देखोगे तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, ठीक है। आप किसी भी स्टेंट पे देखोगे पॉइंट पी पे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, इसे क्या आएगा, हमेशा डाउनवर्ड आएगा। तो जी का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा, जी का कंपोनेंट अलोंग दिस कितना होगा, बताओ बताओ सर जी। अरे ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है
थीटा, ठीक है, और ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या इसके परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू, एंगल भी निकालने नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, थीटा बाई टू होगा, ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये पूरा 90 है, अगेन कितना जाएगा, यानी ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ गया, एक काम करना सिल्वर पानी लेना, ठीक है, क्या करना, समझते हो ना इसका मतलब, है उसमें बुड़बुड़ करके नाक डाल देना, ये एंगल कितना होगा थीटा बाई टू, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, इससे क्या होगा, हॉरिजेंटल से वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा टोटल 90 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना था 90 माइनस थीटा बाई टू, ऑब्वियस है एंगल कितना होगा थीटा बाई टू, तो जी का कंपोनेंट लेंगे इसके अलावा तो कितना हो जाएगा, जाएगा जी कॉस ऑफ थीटा बाई टू, इसे बना देते हैं, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, और ये हॉरिजेंटल साथ कितना कंपोनेंट बना रहा है, ये बना रहा है थीटा बाई टू, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, यहाँ पे पता है एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे जी, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपको जी कॉस थीटा बाई टू, क्योंकि ये एंगल कितना आ जाएगा आपका थीटा बाई टू हो जाएगा, आपको तो पता चल गया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, अब आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताओ, अगर आर देखोगे आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा बाई टू, अब आपको फाइंड आउट करना है कि वी कितना होगा, वी कितना होगा ये बताओ, ये अब क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ना कि सर्कुलर मोशन का, वी कितना होगा, बड़ा मार मारेंगे, बड़ा मार मारेंगे एकदम, कहां से आगे उठ के सबके सब, बताओ फिर फटाफट, नहीं जी भाई साहब नहीं, कहां गया सबके सब, सर रूट अंडर आर जी कॉस थीटा बाय टू, वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू, कौन कौन है ये सात लोगों में, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, देखो अभी बताएंगे ना, लेकिन सर यही था क्या, ओहो गलती से मिस्टेक कर दिया, ये मान लो कि वी है, ये मान लो कि वी है, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा वी कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू, किसको उसको लगता है कि सही लिख दिया हूं, मेरे गधे सपाटी हूं, है? नहीं होगा जी, अरे हाँ भी तो बोलो कम से कम, सब घोल के पी गया क्या, ओए हेलो कौन भागा, अस्मिता अभिषेक सर यही होगा, तो पहले से क्या मतलब, अब बताओ मैं गुस्सा क्यों ना करूं, एक रीजन बता दो गुस्सा ना करने का, पारा मेरा हाई हो गया है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, तेरा मेरा गुस्सा होना लाजमी है कि नहीं है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन का तुम लोग सुधरोगे नहीं, मैं ही सुधर जाता हूँ, तुम लोग को डांटना ही छोड़ दूंगा, बी के वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, शर्म भी नहीं आता तुम लोग को, कॉस थीटा बाय, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जैसे पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं,
रोबोट की तरह पढ़ाऊंगा मैं, रोबोट की तरह। तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिलेबस खत्म करना है, मैं भी वही काम करूंगा, ठीक है? पढ़ते जाओ इसे, देखो अब तुम लोग कैसे पढ़ते हो। पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट एक्सेलरेशन इज गिवन एज एट इज इक्वल टू दिस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एट इज इक्वल टू 2 सेकंड। एट इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है? एट इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है? एट इज इक्वल टू दे रखा है आपको, टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एटीएम को पता क्या होता है? डीवी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया? टी हो गया, ठीक है? यहाँ से भी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डीवी इज इक्वल टू, ऐसे पढ़ाऊंगा, नहीं दिमाग लगाऊंगा कुछ भी, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है? यहाँ से भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको? आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस हम कॉन्स्टेंट सी मान लेंगे। सी की वैल्यू कहाँ से आएगा? आपको दिया हुआ है, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट करने का मतलब क्या हो गया? अगर टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यहाँ से सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है? टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर यूज करोगे, इस कंडीशन को आप यूज करोगे, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा आपको? जीरो आ जाएगा, यानी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है? टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। पढ़ो तुम लोग, ऐसे पढ़ो, हम क्या एफर्ट डालेंगे जब तुम लोग एफर्ट ही नहीं डालते हो तो, ठीक है? तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? हमको पता है कि ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है? वी कितना आ जाएगा? तो वी इज इक्वल टू एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना जाएगा वेलोसिटी? तो 4/2 कितना जाएगा? 2, और रेडियस दे रखा आपको 1, कितना हो जाएगा ये? रेडियस हो जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन द कार पासेस थ्रू द ओवर ब्रिज देन एट द हाईएस्ट पॉइंट ओवर ब्रिज इट स्पीड देन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ओवर ब्रिज इट स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो कि मूव कर रहा है इस तरह से, एक ओवर ब्रिज है, ठीक है? एक कार है इस तरह से ओवर ब्रिज पे मूव कर रहा है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? कोई सर फर्क नहीं करेगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? ये होगा, यहाँ पे दे रखा है इसका एक्सेलरेशन कितना है? इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊं, क्यों ऐसा करते हो जी? क्यों अपना दिमाग खपाओ, मतलब तुम्हारे लोग के लिए प्रॉब्लम होता है, मतलब ना सिंपल चीज में प्रॉब्लम होगा क्या? एक लेवल होता है, ठीक है? हम नहीं बोलते कि गलती करने पर हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो इंटेंशन है ना तुम लोग का, इसमें मेरे को बहुत गुस्सा आता है। इंटेंशन बिल्कुल खराब है, आप सीखने का इंटेंशन रखो ना, आप गलती करो, 1000 गलती करो, लेकिन बोल की गलती करो। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सिखाएंगे वापस से, इसलिए बैठे हैं, सिखाने के लिए नहीं डर रहे हैं। एक तो ना तो ट्राई करते हो, ठीक है, और ऊपर से ऐसी गलती, मतलब यार, मतलब क्या बोलूं इसको मैं, इतना भी लेवल मत गिरा लो अपना। नहीं अगर भरोसा है तो आना, तुम लोग 9th 10th के बच्चे पढ़ते हैं 11th की चीजें, देखना कितना एक्टिव रहते हैं और बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और फटाफट जवाब देते हैं, उनमें होड़ लग रहा था कि कौन जल्दी जवाब दे दे। 9th के बच्चे रोटेशन मोशन ये सब फ्लूइड खत्म कर चुके हैं, 10th के बच्चे और बहुत मतलब बढ़िया जवाब देते हैं, फटाफट। उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन है तुम्हारा जो ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए होंगे, 11th में वो एग्जाम में बैठेंगे। एकदम खराब एटीट्यूड है तुम लोग का, खराब एटीट्यूड है। हर किसी को साथ इतना ही टाइम मिलता है 24 घंटे का ही, हर किसी को, उसी 24 घंटा में सबको पढ़ना है, किसी को 25 घंटा नहीं मिलता है, 24 घंटा 1 मिनट भी नहीं मिलता किसी को, सबको बराबर टाइम मिलता है। तो ये जो कंप्लेंट आता है ना कि सर टाइम नहीं मिलता है, ये तुम्हारी गलतियों के कारण टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों के कारण। टाइम सबको बराबर ही मिला है,
सर भी हंस रहे हैं बगल में, क्या है समझा रहे, छोड़ दीजिए। नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, कैसे काम चलेगा, इतना बेसिक चीज, मतलब ये सब चीज भी गलती करने लायक है क्या, ये सब चीज भूलने लायक है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो, पढ़ने वाला एटीट्यूड लगाओ। बाकी दो बच्चे तो भाग ही गए, ये जो भागने वाला कॉन्सेप्ट है ना, भागते ही रहोगे जिंदगी भर, कहीं भी चले जाओ नहीं सीख पाओगे। सीखने का एटीट्यूड होता है एक बच्चे में, वो जनरेट करो पढ़ने के लिए। काम चलाने के लिए तो हर कोई पढ़ लेता है, बोर्ड वोर्ड करने तो इतना जरूरत ही नहीं है, ना कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है ना कुछ, ठाओ एनसीईआरटी पढ़ जाओ, बोर्ड निकल जाएगा। बेकार में इतना फीस दे रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, रोज क्लास आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। सब ऐसे ही कोविड चल रहा है, सबको पास करना ही मजबूरी होगा सबको, इस सब तो बढ़िया है कुछ भी लिख के आ जाओगे पास ही हो जाओगे। गवर्नमेंट भी CBSE भी बहुत लीनियंट होगा इस बार पास करना सबको, ऑब्वियस है सबको उतना अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन पढ़ने का, हर बच्चे के पास छोड़ना है। अभी भी बिहार के गाँव में चले जाओ नेटवर्क नहीं आता, और भी रूरल एरिया में चले जाओ नेटवर्क नहीं आता, कहाँ से पढ़ेगा बेचारा ऑनलाइन। उनको तो गवर्नमेंट को तो सारा कुछ लेके चलना है, वो तो लिमिट रहेंगे इस साल, जरूरत नहीं है बोर्ड का पढ़ना है तो आराम से आप एनसीईआरटी निकालो और 12th में पढ़ाई करना आराम से, ठीक है क्वेश्चन रट जाना, आराम से पास कर जाओगे। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है इस समय पड़े हुआ, सर्कुलर मोशन और वर्क फॉर एनर्जी में, डायरेक्टली वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट शुरू करना हो जाएगा काम, पूरा एनर्जी खराब कर देते हो तुम लोग, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरा भी टाइम खराब होता है, तुम्हारा भी टाइम खराब होता है, लेकिन फिर फायदा क्या आगे पढ़ने का भी, सिलेबस खत्म करने का भी क्या फायदा, जब तुम कुछ सीखोगे ही नहीं तो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको बस पढ़ना है, खाना है, सोना है, तीन काम ही करना है, जी भर के सो, जी भर के पढ़ो, जी भर के खाओ, इसके अलावा अभी छोड़ दो कुछ भी। इनफैक्ट किसी भी टाइम पे आप अगर किसी चीज में आप अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो ना, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज के ले लो, कोई लता मंगेशकर ऐसे नहीं बन जाता, कोई सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बन जाता है, कोई अमिताभ बच्चन ऐसे नहीं बन जाता है, किसी भी फील्ड में ले लो, उनके पीछे होता है, मेहनत होता है उनका, जी लगा के काम करते हैं। अमिताभ बच्चन में कितने दिन तक फेल हुआ था, तेंदुलकर भी कितने दिन तक फेल हुआ, लेकिन फिर भी वो आके सेंचुरी मारा, 10 मैचों में 0 फेल हुआ, 12 मैचों फेल हुआ, 15 मैचों फेल हुआ, फिर भी आके मारा। कोई धोनी, धोनी एक दिन में नहीं बन जाता है, उसके पीछे कई साल का मेहनत होता है। कोई भी इंसान ले लो जो जितना सक्सेसफुल है, उसके पीछे उसका मेहनत ही होता है। टैलेंट हमेशा आपको टैलेंट तभी दिखता है जब आदमी उसके पीछे मेहनत करता है। कोहली बहुत टैलेंट है क्रिकेट खेलने का, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो चलेगा क्या, छोड़ देगा प्रैक्टिस, जाके उठा के बैठ जाके पहुंच जाएगा मैच में, चलेगा क्या। बुमराह बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा बॉलर है, तो चलेगा क्या जब तक तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिटनेस नहीं रहेगा तो चलेगा क्या। हर किसी को मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग से मेहनत करने के लिए बना हुआ है, अगर हमको इतना मेहनत करना पड़ता है लाइफ में, कभी भी कहीं भी पहुंच जाओगे मेहनत करना ही पड़ेगा हर जगह पे। हम लोग को पढ़ाने में मेहनत नहीं है क्या, सुबह शाम तक बकबक बकबक करते रहते हैं, जबड़ा दर्द देने लगता है, फिर भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम लोग मतलब हम लोग का क्या मतलब, ऐसी थोड़ा ना कि अचानक से आ गया सब कुछ, ऊपर से कभी जन्मे और सब कुछ आ गया, फिर इसमें पढ़े ही हैं, जैसे एक टाइम पे तुम थे उस टाइम पे हम भी लोग थे, और कोई भी बड़ा टीचर है, कोई भी स्टार टीचर है, चाहे कुछ भी बन गया हो, वो सब भी ऐसे ही था। तो कोई साइंटिस्ट बन गया, वो भी एक टाइम पे आप ही जैसा था, वो साइंटिस्ट बन गया क्योंकि उसने बहुत पढ़ा। सब एक टाइम पे ऐसे ही होता है, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो ABCD भी बोलने नहीं आता, ABCD क्या, माँ पाप आप कुछ करने का नहीं आता उसको, सब यहीं आके सीखता है, जितने लोग सीखे हैं। अपना एटीट्यूड चेंज करो, ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, दिमाग वहाँ कुछ नहीं होता है, जिस तरह से ट्रेंड करो, जितना ब्रशअप करोगे दिमाग को वैसे ही आपका दिमाग चलेगा। तो दिमाग पैदा लेके ऐसा नहीं होता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, बहुत कम रेयर होते हैं, 0.0001% एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैदा होते हैं।
बाकी लोग नॉर्मली होते हैं, अपने आप को घिस घिस कुछ तरह से बनाते हैं, अपने आप को घिसो, ब्रशअप करो, कॉन्फिडेंस लाओ कि हम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, और आएगा धीरे धीरे, जब मेहनत करोगे तो आएगा, दिखेगा इम्प्रूवमेंट। देखो वो करने के लिए तैयार नहीं हो। कितने घंटे पढ़ते हो जी? इस तरह का पढ़ने कोई फायदा नहीं। कितने घंटे पढ़ते हो अभिषेक? आज एक बच्चे से पूछा कितना घंटा पढ़ता है, बोलता 4 घंटा। कितने घंटे पढ़ते हो? 7 से 8। 7 से 8 तो बहुत है। अस्मिता, अस्मिता कितने घंटे पढ़ती है? टाइम काउंट नहीं किया, फिर भी मतलब एक एवरेज होता है ना। मैं बोलता हूँ कि टारगेट कर लो, सैटरडे तक खूब पढ़ेंगे और संडे को नहीं पढ़ेंगे। एक दिन जितना बकवास करना होगा आपको ना, जो करना होगा करना, लेकिन 6 दिन आप पढ़ के लेना कि 6 दिन तक मेरे को कंटिन्यूसली पढ़ना है, मेहनत करना है, पढ़ना है। मैं नहीं बोलता आपको 365 दिन पढ़ना है, आप 2 दिन छुट्टी मारो, चलो हम नहीं पढ़ेंगे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे सिर्फ सिर्फ बकवास करेंगे, लेकिन 5 दिन जितना बचाया था ईमानदारी से पूरा पढ़ो। आप जब ईमानदारी से 5 दिन पढ़ोगे ना, तो बाकी 2 दिन में आप पढ़ोगे, या 2 दिन और पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मन करता है, चलो आप मन मार लो कि हमको 5 दिन पढ़ना है, पूरा मेहनत करके सैटरडे संडे हम बुक छुएंगे भी नहीं। हो सकता है कि सैटरडे संडे आप क्लास ना भी लगे आप लोगों का, कि हम लोग भी बहुत मतलब इरिटेशन होने लगा किसी स्क्रीन देख देख के, एकदम फिर भी हम लोग कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ दिखता नहीं आपको, तो एक क्लास करना होता है, 3 क्लास करके निकल जाते हैं, हम लोग सब बैच पढ़ाना होता है। सारे टीचर का तो ऐसा हो गया कि सर अब छुट्टी चाहिए चाहिए, हम स्क्रीन दे दे के हम लोग हालत खराब हो गया, दिन भर स्क्रीन पर बैठे बैठे। तो हम लोग सोचे कुछ नहीं करेंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, कभी कभी लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लास, बाकी नहीं लगाएंगे। आप लोग सोचे भी कर लो, सैटरडे तक पूरा जम कर पढ़ना है, फिर 2 दिन छुट्टी मारना है, फिर शुरू करना है मंडे, सैटरडे तक पढ़ना है, फिर 2 दिन छुट्टी मारना है, ऐसे करो। फिर अपने आप आपका हो जाएगा कि नहीं सैटरडे संडे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। हाँ, एक दिन तो छुट्टी मारो। एक दिन हम लोग भी क्या करते थे, पूरा मस्त घूमते थे, फिरते थे, बाहर जाते थे, खाना खाते थे, सैटरडे तक पढ़ते थे, संडे को बिल्कुल टेस्ट होता टेस्ट देते थे, उसका बिल्कुल चिल मारते थे, कहीं भी चले जाते थे घूमने में, कहीं भी मूवी चल जाते थे देखने के लिए, जो बदमाशी करना होता था संडे वगैरह करते थे सारा, क्योंकि वो दिमाग को रिलैक्सेशन भी चाहिए। दिन भर अगर आप 7 दिन पढ़ोगे तो आपको फिर वो माइंड उस तरह से डेवलप नहीं करेगा, एक दिन रेस्ट चाहिए माइंड को। उस दिन कुछ ही मत करो, बुक छुए ही मत, एकदम पढ़ाई लिखाई से दूर रहो, आज पढ़ना ही नहीं है, आज छुट्टी वाला दिन है। लेकिन उससे पहले ईमानदारी से आपको 6 दिन पढ़ना होगा, तो कम से कम ये रहेगा भी, तो उस दिन आपको इंजॉय करने में भी मजा आएगा। नहीं तो कई बार दिमाग में ऐसा चलता है ना कि आप कुछ कर रहे होते लगता है कि पढ़ ले, ऐसा लगता है ना कई बार, कहीं चले गए मूवी देखने लगता है कि यार टाइम वेस्ट कर लिया, पढ़ लिया होता तो ना आप इंजॉय कर पाते हो ना ही आप पढ़ाई कर पाते हो, दोनों तरफ से नुकसान है। 6 दिन तो मन लगा के पढ़ो और 7वां दिन भरपूर इंजॉय करो, और मजा भी आएगा कि यार 6 दिन मेहनत किए हैं, आज इंजॉय करने का डे, मस्त इंजॉय करेंगे, ठीक है। और इतना गाली सुनने का आदत मत डाल लो रोज, सॉरी सर से काम नहीं चलेगा, हमेशा पुराना चीज को रिवाइज करते हुए चलो, आगे आते रहेगा, आगे आते रहेगा। रोटेशन मोशन से शुरू करेंगे तो सारा कंबाइंड करके आएगा, सारा चीज में घुसा देंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी घुसा देंगे, रिटायल मोशन भी घुसा देंगे, सब कुछ घुसा देंगे। एक क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से, इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है। एक क्वेश्चन, थोड़ा सा एफर्ट डालो। तुम लोग क्या करते हो ना, बिल्कुल कॉपी किताब लेके बैठते हो, जो कलम लेके कॉपी कलम लेके बैठते हो, पढ़ने का आदत हमेशा चेयर पे और टेबल पे डालो, लेट के मत करो पढ़ाई, क्योंकि आपका जो पढ़ाई है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, रीडिंग मारने वाला पढ़ाई नहीं है आपका, नोवेल पढ़ने वाला पढ़ाई नहीं है, ठीक है। आपका पढ़ाई है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, चीजों को याद करने वाला, लिख के याद करने वाला। तो जब भी पढ़ाई करो तो टेबल कुर्सी पे बैठ कर पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं तो बढ़िया एग्जाम भी ले लेते लेट लेट आए, कहे बैठा के एग्जाम लेते हैं चेयर कुर्सी पे, तो स्कूल में कहे चेयर कुर्सी लगा होता, मस्त लगा देखो को बेड पढ़ते रहता सब, तो दिमाग एक्टिव इस पोजिशन में ज़्यादा रहता है।
जब भी पढ़ाई करो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करो, लिख के पढ़ाई करो, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लिखोगे तो याद रहेगा, पढ़ते जाओगे रीडिंग मारते जाओगे तो नहीं याद रहेगा। कोई मूवी थोड़ना है, मूवी आपको पूछे, मूवी दिखाए उसमें सारा कुछ पूछे तो आप नहीं बता पाओगे इसका नाम क्या था क्या नहीं था, कौन आदमी कितना स्पीड से दौड़ गया जब दौड़ा, तो मूवी नहीं है। यहाँ पे हर कुछ आपको कैलकुलेशन करना है, आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, सारा चीज करना पड़ेगा बैठ के। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर बताते हैं फिर से इसको। आज बहुत सारा क्वेश्चन कराना था इसलिए हम क्वेश्चन पहले से लिखना चाह रहे थे, लेकिन सर क्लास से लेट छोड़े, लिख नहीं पाया, बहुत सारा क्वेश्चन कराना था। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको करो। सर्कुलर पाथ ऑफ क्या लिखा हुआ है वहां? अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, ऑफ रेडियस 1 मीटर। Radius 1 meter starting from rest. If its tangential acceleration is given as at is equal to t meter per second. यहाँ पर tangential acceleration क्या है? Variable है. Tangential acceleration क्या है? Variable है. ठीक है. तो basically ये जो example हुआ, जो question हुआ, कैसा motion होगा? Non-uniform circular motion question हुआ. कैसा question है? तो non-uniform circular motion question. ठीक है, आपको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है? जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो ना हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ऐसे मोशन क्या हो जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर तो दे रखा है इट इज इक्वल टू टी मीटर पर सेकंड, यहाँ तो हमेशा क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, कैसा एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, पूछता है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एनालिसिस करोगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे पूछा है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। आपको पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है AR, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, वो कितना होता है? तो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। आपको तो पता है आर इज इक्वल टू 1 मीटर दे रखा है, इसका तो टेंशन लेना नहीं है, आर इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है तो इसका टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेंशन किसका लेना है? इसका लेना है, ये भी कैसे निकलेगा, ये भी कैसे निकलेगा। और डाटा आपके पास क्या अवेलेबल है? एक डाटा आपको ये अवेलेबल है, एटी इज इक्वल टू टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी डाटा से आपको भी निकालना है। ठीक है, कब? जब टी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 सेकंड। तो आपको पता है कि एटी इज इक्वल टू क्या होता है? एटी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, एटी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, होता है कि नहीं होता है? आपको पढ़ाया ना टेंशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये भी क्या है? स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू क्या दे रखा है? टी दे रखा है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, यहाँ से वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, सम कॉन्स्टेंट सी, इस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में एक और डाटा दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ोगे इसमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट करने का मतलब क्या होगा? एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना होना? जीरो। उस हिसाब से सी को सॉल्व करोगे तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो दिया होता कि इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, suppose that इसमें दिया होता initial velocity is 5 meter per second, क्या put करते t is equal to 0, t is equal to 0 भी कितना होता 5, तो यहाँ से c is equal to कितना आया था आपको 5 आया था, c is equal to क्या आया था 5 आया था, यहाँ पे c is equal to 0 आया है। ठीक है, आप इस चीज को भूलना मत हमेशा, कई लोग क्या करते हैं ना by default मान लेते हैं इस condition को, by default मान लेते हैं इस condition को, अगर mention नहीं है तो मान लेते हैं कि b is equal to क्या जाएगा t square by 2 हो जाएगा, भूल जाते हैं कि plus c भी लिखना है। ठीक है, मान लो कहीं अगर क्वेश्चन में मेंशन हो इस तरह से कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना देख के अगर आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड जो भी दिया हुआ है, उस केस में आपको सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, सी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, या फिर आपको दे दे कि सपोज दैट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकंड है, अगर मान लो कि कंडीशन दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसका जो स्पीड है कुछ भी दे दिया 1 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, क्या पुट करोगे आप? टी इक्वल टू 1 पुट करोगे, बी इक्वल टू जो भी दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ, वहां से सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे।
यहाँ पर सी की वैल्यू कैलकुलेट करने क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई टू, वी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई टू। आपको वेलोसिटी कब निकालना है, तो रेडियस से निकालना था एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड, आपको रेडियल एक्सेस निकालना था एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे, टू सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी एट टू सेकेंड इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आ जाएगा फोर बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू मीटर पर सेकेंड। तो जो टेंशन था खत्म हो गया, वेलोसिटी पता चल गया आपको, रेडियस पता चल गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, यानी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई वन मीटर, कितना आ जाएगा ये, फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुस्सा में गलत लिख गया, ठीक है, यस सर, फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया चीज, यस सर, यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो। मैं गलती से कभी नहीं गुस्सा होता हूँ, गलती करो, कम से कम करो तो गलती। सुदीप और विवेक, तुम लोगों को क्या दिक्कत है असर प्रोमोशन में, किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है? सर कुछ कुछ क्लास छूट गया था तो फिर समझ में नहीं आया बैकग्राउंड में। अच्छा, और कैसे चल रहा है वो, क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन ठीक चल रहा है सर अभी तो, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, उसमें तो सारा टर्म्स एक साथ है तो आता है ना जरूर, तो वहां पे सारा कुछ, हाँ सर पूरा। तो क्या हो गया है आप लोग का? सर आज आज क्लास था ना तुम लोग का, आज तो था क्लास, सर रोलिंग मोशन देखा था मैं, पढ़ा रहे थे रोलिंग मोशन, पढ़ा रहे क्या सर? सर सर रेडियस ऑफ ब्रिज एट हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 40 मीटर। रेडियस ऑफ ब्रिज एट हाईएस्ट पॉइंट इज 40 मीटर। आज भी कोई आया था पढ़ने के लिए, बर्फ पावर एनर्जी, कौन था तुम लोग उसको, था सुदीप था क्या, तुम ही था जी? यस सर। अच्छा, कुछ कुछ बनाया है सर? यस सर, 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड, पता नहीं, ये आएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा ये, यानी रूट टू इंटू 0.1, रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.4, यानी 0.14 के आसपास आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। गलती की हो कहीं पे, कहीं पे गलती की हो? नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना आपसे, आपसे यहाँ ध्यान देखना क्या पूछ रहा है आपसे, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन जब भी पूछ रहा है तो क्या आएगा, रेडियल प्लस टेंजेंशियल दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ स्पीड, दे रखा ना हो किसी भी स्टेंट पे देखोगे, ये मान लो कि स्पीड है भी, ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो दिया हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, मैं इसको बोल दूं कि ए टेंजेंशियल दिया हुआ, तो कोई गलत बात बोल दिया क्या? नो सर, क्योंकि दिया हुआ क्या है, स्पीड का रेट दिया हुआ है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ स्पीड दिया हुआ है, और रेट ऑफ स्पीड क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ स्पीड क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। बोलता है व्हेन द कार पासेस थ्रू द ओवर ब्रिज देन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ओवर ब्रिज स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड एंड रेडियस ऑफ द ब्रिज एज हाइएस्ट पॉइंट इज 40 मीटर। जब ये हाइएस्ट पॉइंट पे है, हाइएस्ट पॉइंट पे है, इसका जो वी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पे इसका जो रेडियस है वो कितना है,
40 मीटर है, इसका रेडियस कितना है 40 मीटर है। अगर मैं रेडियस की बात करूं सेंट्रिपिटल का, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। देखो तो कुछ है क्या, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 40 कितना जाएगा 0.01 होगा कि नहीं होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, आंसर ऐसा दिखता है ऐसे दिखता है, इसलिए बोला था जो नेट एक्सेशन आएगा ए नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जाएगा अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है अंडर रूट ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर। इसलिए बोला कि इसको कैलकुलेट कर लेना दोनों कितना आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, दिखता है इस तरह से एकदम क्वेश्चन पढ़ोगे दिखेगा क्या आएगा अंडर रूट 0.1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0.1 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है। अब इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आता है, ये हो गया रूट 2 इंटू 0.1 जो भी आएगा ये आएगा, कोई दिक्कत नो सर क्या हो रहा है अभी क्वेश्चन नहीं लिखे थे बस यहीं तक लिखे थे ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखे हैं क्या इन सर्कुलर, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था तो v इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे थे ठीक है स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे हम लोग क्या लिख रहे थे v इज इक्वल टू u प्लस at, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था। दूसरा क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस, ये बता चुके हैं क्या हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस। अगर यही इक्वेशन ऑफ मोशन को सर्कुलर मोशन में यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे ठीक है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन कैसे यूज करेंगे इन सबको, तो यहाँ पे जो v होगा ठीक है v को किससे रिप्लेस कर देंगे आप ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये बता चुका था ना क्वेश्चन नहीं करवाया था इस पर नहीं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s को रिप्लेस कर दे किससे थीटा से, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, क्वेश्चन करवाए थे किस पे क्वेश्चन नहीं करवाया था याद है, क्वेश्चन नहीं करवाया था याद है हमको ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू इंटू अल्फा इंटू थीटा। हमने क्या किया जब भी आप सर्कुलर मोशन में बात करोगे ठीक है तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा ठीक है, आपको वी को किस में चेंज करना पड़ेगा क्या हो क्या रहा है इसमें, वी को चेंज करना पड़ेगा ओमेगा में, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी था, ये क्या आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये सब लिख लेना ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा सबका मीनिंग लिख लेना ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा ये क्या आएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या होगा ओमेगा नॉट होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, अल्फा क्या होगा अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कि जब यहां भी यूज कर रहे थे हम लोग लीनियर केस में यहां पे एक्सेलरेशन क्या था कांस्टेंट था, यहां पे एक्सेलरेशन क्या था कांस्टेंट था, आपको बताया था ना कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तभी ये तीनों इक्वेशन यूज करेंगे, अगर वेरिएबल रहेगा तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जाएंगे, हो क्या रहा है बार बार ऊपर क्यों आ रहा है ठीक है, तो जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट रहेगा अल्फा क्या होगा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है, और थीटा क्या होगा थीटा थीटा होगा तुम लोग तो नहीं कर रहे हो ना ये सब जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद किससे रखोगे तो वी को चेंज करोगे ओमेगा से, यू को चेंज करोगे किससे ओमेगा नॉट से, यू को चेंज करोगे ओमेगा नॉट से ठीक है, एनालॉगी है एनालॉगी मतलब किसको किससे रिलेट करके याद करेंगे किससे किसको रिलेट करके याद करेंगे, इसको किससे चेंज करोगे इसको चेंज करोगे आप थीटा से, इसको चेंज करोगे आप थीटा से ठीक है, ए को चीज से चेंज करोगे ए को चेंज करोगे आप अल्फा से, और टाइम क्या रहेगा टाइम में ही रहेगा टाइम को मत चेंज कर देना, टाइम क्या होता है टाइम ही रहता है ठीक है,
आप इस तरह से इसको याद रखना, ओमेगा क्या हो गया, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दो चीजें तो लिख ही देता हूँ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट क्या है, तो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यहां तक समझ में आया, एक क्वेश्चन ये याद रहेगा क्वेश्चन, यू नो, यस सर, जैसे वहां पे यूज करते थे इक्वेशन ऑफ मोशन को, यहाँ भी सिंपली इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ भी यहाँ पे यूज करेंगे, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ सर, नेट एक्सेलरेशन लेंगे ना, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग चीज होता है, नेट एक्सेलरेशन अलग चीज होता है, कंफ्यूज मत होना, नेट क्या होता है, तो टेंजेंशियल प्लस रेडियल का रिजल्टेंट होता है, टेंजेंशियल प्लस रेडियल का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जहां पर हमने डिवाइड किया था, ए टेंजेंशियल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, और ए रेडियल क्या होगा, ए रेडियल इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, जबकि एंगुलर अल्फा जो था वो क्या था, वो था डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, जहां पर हमने ये भी बोला था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर होता है, पता कि नहीं होता है, बाय डी टी, यहां से क्या आ गया था हमारा कि अल्फा इक्वल टू ए टेंजेंशियल बाय आर, ये सब रिलेशन याद रखना है, साइड में लिख देता हूं, ठीक है, यहां से अगर बात करोगे ए टेंजेंशियल इक्वल टू, तो हमने ऐसा ही बोला था आर इंटू अल्फा होता है, आर इंटू अल्फा होता है, किसी चीज में कंफ्यूजन मत रखना, कहीं पे कंफ्यूजन, ए टेंजेंशियल और रेडियल सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है आर इंटू अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया, ये रेडियल हो गया, कहीं पे कंफ्यूजन, जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, पहले बहुत बता चुके हैं, ठीक है, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे सिंपल, जिस तरह से वहां पे लीनियर होता था डीवी बाई डी टी, यहाँ पे क्या आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जब तक आप लोग ट्राई करोगे जब तक मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, बोलता हूँ ए फ्लाई व्हील इज इनिशियली रोटेटिंग एट ए 20 रेडियन पर सेकंड, यानी एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है आपको, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है आपको ओमेगा नॉट इक्वल टू 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, बोलता है कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बोलता है टी इज इक्वल टू 9 सेकंड के बाद, आफ्टर 9 सेकंड इट हैज रोटेटेड थ्रू 450, यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं लिख के आप इसको लिखोगे रेडियन, यहाँ पे ये सब यूनिट है, यहाँ पे रेडियन होगा, ठीक है, 20 रेडियन पर सेकेंड, बोलता है कि t इक्वल टू 9 सेकंड के बाद इसका जो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 450 रेडियन, देन कैलकुलेट अल्फा, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, निकालो कितना होगा, तो तुम्हें क्वेश्चन में लिख देता हूँ, समझ में आया क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे आपको क्वेश्चन में पढ़ के सब चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये तुमने डायरेक्टली लिख दिया ना, क्वेश्चन में आपको जब लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा तो वहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या है, ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया हमने ओमेगा नॉट टी थीटा और अल्फा निकालना है, कोई एक लगा दो इक्वेशन तीनों में से, इससे निकलेगा ये, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में लिया रहेगा तो वहां से पढ़ के आपको निकालना पड़ेगा ये सारा चीज, क्या हो रहा है, लास्ट टाइम तुम लोग को जब सुनाए थे तो मैं बीमार पड़ गया था, इसको आपको गाली मत देना, ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड एंड एज अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन
कितना आंसर आया? 6.6. हाँ वेरी गुड, सबका आ गया? यस yes. नहीं आया तो बोलो, करना भी नहीं। यस सर आ गया। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन, बस एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं मोशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? बहुत तरह, आपको भी आइडिया भी है कैसे कैसे हम लोग करते हैं। कौन सा क्वेश्चन लगा दिया आपने? आप लगा दिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर सब कुछ पुट कर दिया होगा आपने, इसको पुट कर दिया होगा आपने 450 ये कितना आ जाएगा 20 टी इज इक्वल टू 9 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 9 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व किया होगा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया होगा 6.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन करवा दिया बस, बाकी आपको पता है कि कई बार आपको जैसे देता था ना स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तो बहुत क्वेश्चन किए इस तरह के हम लोग, इसी पे तो क्वेश्चन ही करते थे, इसी पे तो हम लोग क्वेश्चन ही करते थे। उसी तरह से यहाँ भी आपको दे सकता है, बहुत कुछ घुमा फिरा के इधर उधर से बातें करके दे देगा। आपको बस फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन कौन सा दिया हुआ है और क्या निकालना है। लैंग्वेज पढ़ के आपको, जैसे वहाँ पे करते थे यू फाइंड करते थे, वी फाइंड करते थे, थीटा फाइंड, ओ सॉरी यू फाइंड करते थे, वी फाइंड करते थे, ए फाइंड करते थे, और इक्वेशन लगा के कुछ ना कुछ आपको निकालते आते थे। यहाँ पर उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आपको बुकलेट में भी अवेलेबल होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन होंगे, ठीक है? आप उन सबको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? A wheel start from rest and time कितना हुआ? 7:50 has an angular acceleration that is given by alpha is equal to 60 square. ठीक है, कॉन्स्टेंट वाला करवा लिया, अब वेरिएबल थोड़ा दे देता हूँ, ठीक है? द एंगल थ्रू विच इट टर्न्स इन टाइम टी, इन टाइम टी, ठीक है? टाइम टी के साथ कितना एंगल आपको क्या हो रहा है, कितना एंगल है मूव करेगा। बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। वहां भी जब एक्सेलरेशन इस तरह से दिया होता था हम लोग किसका सहारा लेते थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते थे। यहाँ भी आपको वही करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेना है, फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा, चार ऑप्शन दे देता हूँ। 1/8 इंटू टी रेस्ट पावर 4, बी 1/4 इंटू टी रेस्ट पावर 4, सी 1/2 इंटू टी रेस्ट पावर 4, डी टी रेस्ट पावर 4। सर सी, सबका सी आया? जो नहीं किए करो, पक्का सर सी? यस, वेरी गुड। अब कैसे करते हो तुम लोग क्वेश्चन, हैं? दैट्स फटाफट कर लेते। और पहले क्या होता, मतलब क्या है, टाइम खराब करता फिर। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, कभी कभी मूड फुट्स कर देता, कभी कभी एवॉट इट्स। इसको से देखना, ये रोटेट्स है,
अस्मिता नहीं बना। एक तो पहले शरमाना सबको छोड़ दोगे, ठीक है, कोई भी शरमाएगा नहीं किसी चीज में। हो भी कि भाग गए जी, कौन कौन है? ये तो तुम लोग को सुनाते हो तो भाग ही जाते हो, यहां से कुछ कर सकते नहीं है। अस्मिता नहीं बना, नहीं बना तब भी बोलने का है, शर्माना नहीं बना। अरे वेरी गुड सर, आंसर नहीं बना कृष्णा, टू लेट। बोल क्यों नहीं रहा था मैं सर, इतना एफर्ट डालूंगा तो बोलेगा। अरे सीखने के लिए तो आते हो ना, क्वेश्चन लिख लेने दो, तब तक ये लोग करेंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को समझाएंगे। अरे ये अलग परेशान कर रखा है, ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है। और नेक्स्ट क्लास थोड़ा याद दिलाना, तो मेरे को बर्फ ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस पे लेके आने थे, मैं भूल गया, ठीक है। बर्फ ऑफ एनर्जी में बोला था मैं एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, होमवर्क दिया था बर्फ ऑफ एनर्जी में, कुछ क्वेश्चंस वो कर लिए थे क्या? यस सर। वेरी गुड, कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कराने थे मेरे को नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा याद। सैटरडे को है, सैटरडे को, सैटरडे को रखेंगे ना? हाँ रख लेंगे, मेरा काम क्या है इस साल, इस बार नहीं रख पाएंगे मेरे को शायद, एक्चुअली मेरे घर में कुछ आए हुए हैं लोग, ठीक है, गेस्ट आए हुए हैं तो वो थोड़ा बिजी रहेंगे इस बार, ठीक है। मे भी संडे के बाद, संडे को हो सकता है रात में रख ले, हो सकता है तो संडे को जाएंगे। रोटेट, इसको लिखता हूँ क्लॉक वाइज, क्या समझोगे इसको? क्लॉक वाइज, ठीक है। डिक्रीजिंग ओमेगा, डिक्रीजिंग ओमेगा, ठीक है। टेबल रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है, विद इंक्रीजिंग ओमेगा डी टेबल रोटेट्स क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग ओमेगा। ए भी क्लॉकवाइज हो गया, ए भी क्लॉकवाइज, ए लग गया एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज विद इंक्रीजिंग ओमेगा, ठीक है। इधर ऑप्शन डाल देते हैं, मैच करना आपको पी इज इक्वल टू फोर, वो बेसिकली डायरेक्शन दे रहा है, क्वेश्चन समझाता हूँ। यू इज इक्वल टू थ्री, आर इज इक्वल टू टू, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू वन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना क्या है, बोलता है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक कोई एक टेबल होगा, ठीक है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और रोटेट अबाउट इस ऑन एक्सिस, मान लो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है कि टेबल पे जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं कर रहा है, टेबल पे ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। आपको निकालना है, डायरेक्शन निकालना है बेसिकली, नेट एक्सिस का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन वन टू थ्री फोर, नेट एक्सिस का डायरेक्शन किधर होगा, उसमें कंडीशन दिया हुआ अलग अलग, कि जब टेबल रोटेट कर रहा हो क्लॉकवाइज विथ कॉन्स्टेंट ओमेगा, ठीक है, टेबल क्या कर रहा हो, कॉन्स्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, ठीक है, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब नेट एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, जब टेबल रोटेट कर रहा हो क्लॉकवाइज विथ डिक्रीजिंग ओमेगा तब किधर होगा डायरेक्शन, टेबल अगर रोटेट कर रहा हो क्लॉकवाइज विथ इंक्रीजिंग ओमेगा तब क्या होगा, टेबल रोटेट कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज विथ इंक्रीजिंग ओमेगा तब क्या होगा, एक और ऑप्शन ले लेते हैं, टेबल
रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज विथ विथ डिक्रीजिंग ओमेगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अरे ये इरिटेट कर रहा है. क्वेश्चन समझ में आया? चार पांच क्वेश्चन है. ये बेसिकली आपको नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है किधर होगा. नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है किस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, आपको अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है कि मान लो कि टेबल रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. ठीक है, मान लो टेबल इस तरह से रोटेट कर रहा है और एक बार क्या है ओमेगा क्या है कॉन्स्टेंट है, एक बार ओमेगा क्या है इंक्रीजिंग है, एक बार ओमेगा क्या है डिक्रीजिंग है. ठीक है, सेम कंडीशन जब क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज उस समय पर ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा तब क्या डायरेक्शन होगा, ओमेगा इंक्रीजिंग होगा तब क्या डायरेक्शन होगा, ओमेगा डिक्रीजिंग होगा तब क्या डायरेक्शन होगा. आप इसको निकालो, खुद से बनाओ डायरेक्शन किधर किधर होगा. मे भी और भी ऑप्शन देना पड़े इसमें, मे भी इसमें और ऑप्शन देना पड़े, ऐसे बनाया मैंने. क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. ठीक है, इसको बताओ क्या होगा और जो नहीं किए हैं क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, कहीं पढ़ने में दिक्कत आ रहा तो बोलना. चार से पांच क्वेश्चन और कराने हैं हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पे सर्कुलर मोशन के, उसके बाद मतलब एक पार्ट खत्म हो जाए सर्कुलर मोशन का, फिर हम लोग को बैंकिंग में पढ़ना है सेकंड पार्ट में. इसके लिए सर्कुलर मोशन तीन पार्ट में पढ़ाते हैं, एक बेसिक, दूसरा बैंकिंग होके और तीसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन. थोड़ा फास्ट करना तुम लोग. देखो इससे पहले ये जो किसको क्वेश्चन नहीं बना, जिससे नहीं बना वो देखना क्वेश्चन, उसे नोट कर लिए होगे. ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना? अल्फा दे रखा है, अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है 60 स्क्वायर. अल्फा इक्वल टू आपको दे रखा है 60 स्क्वायर. ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लो जिससे नहीं बना. ठीक है, अल्फा इक्वल टू आपको दे रखा है 6 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या है कांस्टेंट नहीं है, अल्फा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फंक्शन ऑफ क्या है टी है. आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, डायरेक्टली नहीं ले सकते. ये कब लिखते हैं हम लोग? जब अल्फा क्या हो हमारा कॉन्स्टेंट हो, अल्फा क्या हो हमारा कॉन्स्टेंट हो. ठीक है, जो कर रहे हैं मेरे को म्यूट कर सकते हैं और करो अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा बोलने में, तो क्योंकि मैं बोलूंगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, म्यूट करके भी काम कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल केस में कैसे काम करेंगे, वेरिएबल केस में कैसे काम करेंगे, तो हमको पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 स्क्वायर. यहाँ से डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 स्क्वायर इंटू डी टी. इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा आपको, देखो क्या हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट. तो मान लो कि टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू टी तक इंटीग्रेट कर दो, तो ओमेगा कितना था, जीरो था टी इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है. ठीक है, नहीं तो आप कॉन्स्टेंट मान के भी कर सकते हो. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी क्यू बाई 3, लिमिट पुट कर देंगे हम लोग जीरो से लेके टी तक, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 टी क्यू डिवाइड बाई 3, यानी कितना जाएगा ये 2 ई रेस्ट पावर 3. अब ओमेगा नहीं निकालना आपको, क्या निकालना है, थीटा निकालना है. ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू टी क्यू. यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टी क्यू डी टी. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और टी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो टी रेस्ट पावर 4 बाई 4,
अगेन सेम कंडीशन होगा t इक्वल टू जीरो से लेके t इक्वल टू t तक, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये t रेस्ट टू पावर फोर बाई टू, टी रेस्ट पावर फोर बाई टू। समझ में आया ये कृष्ण मोदी? हाँ सर। ये क्वेश्चन करो, कौन कौन कर लिया? पहला का बताओ, पहला क्या होगा? तो टेबल क्या कर रहा है, एक करके देखेंगे हम लोग, नीचे देखते हैं इसका सलूशन। कोई नहीं किया सर, पहला का थ्री होगा, देखते हैं एक करके, देखते हैं मिलाना, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। पहला केस में क्या है, तो हम पहले लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, ठीक है, पहले लेते हैं हम लोग डायरेक्शन क्या होगा, रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ओमेगा किससे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी टेबल कैसे कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और कैसा है, तो पहला केस में बोलता है ओमेगा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ओमेगा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। जब फर्स्ट केस में लोगे ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, ये भी कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वी कॉन्स्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखोगे तो टेंजेंशियल एक्शन कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल होता है डी वी बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, वी क्या है, कॉन्स्टेंट मतलब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से रेडियल देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए रेडियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। और रेडियल जैसा क्या होता है, इसी पॉइंट पे देखोगे तो रेडियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और टेंजेंशियल जीरो है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, जो नेट एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो डायग्राम, ऐसा रहने दोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल क्या हो गया, जीरो, और सिर्फ रेडियल हुआ, तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा थ्री, पहला का आंसर क्या आ जाएगा थ्री, ये किससे मैच हो जाएगा, थ्री से। आगे तो सबका, यस सर, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा थ्री। बोलता है टेबल रोटेट क्लॉकवाइज विथ डिक्रीजिंग ओमेगा, ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड केस में ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा डिक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा at is equal to, ये क्या है, dv by dt होता है, dv by dt होता है, और v क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, v क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब at का डायरेक्शन देखोगे, ठीक है, अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखोगे, इस टाइम पे अगर रोटेट कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो v क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और डिक्रीजिंग है, इसका मतलब at क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, at डायरेक्शन में होगा, यस सर। और रेडियल क्या होगा, रेडियल होगा इस डायरेक्शन में, रेडियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, कहीं इधर होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, ये क्या होगा हमारा, ए नेट, ये बात समझ में आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आपको निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ए चीज दिया हुआ आपको डिक्रीजिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नेट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सेकंड का देखोगे तो नेट क्या आ जाएगा, चार के, यानी इस वाले का मैचिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, क्या आया था सबका, अस्मिता, अभिषेक? नो सर, नहीं आया था मेरा, अभी समझ में आ रहा है, यस यस सर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है कम से कम। थर्ड देखो, थर्ड के केस में क्या है, ओमेगा इंक्रीजिंग है, ओमेगा इंक्रीजिंग करने का मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, वी भी क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, ओमेगा अगर डिक्रीज कर रहा था, सॉरी ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो v भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। v इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, at इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, dv बाई dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे आप,
यहाँ पे देखोगे तो अभी भी क्या है, क्लॉकवाइज है, इशारा किसके ले रहे हैं, क्लॉकवाइज के ले रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज में वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और टेंजेंशियल में क्या होगा, तो टेंजेंशियल में क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। रेडियल क्या होगा, रेडियल तो होगा इस डायरेक्शन में। तो जो नेट एक्सेशन होगा, किसी और कर्व से बना देते हैं, जो नेट होगा क्या होगा, कहीं इधर की ओर होगा, नेट क्या होगा, कहीं इस डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपका सेकंड वाला, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। समझ में आया, समझ में आया। एंटी क्लॉक बजाओ या खुद करना, एंटी क्लॉक बजाओ खुद करना। फोर्थ, जब क्या है ओमेगा, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अब कैसे रोटेट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट है, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, वी इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, और ए रेडियल कितना हो जाएगा, हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ए रेडियल तो क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ए रेडियल क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा, रेडियल डायरेक्शन में। और टेंजेंशियल क्या हो गया, ये जीरो हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यही होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा ना, एग्जैक्टली सेम होगा। अगर ए नेट की बात करेंगे तो क्या होगा, जितना रेडियल होगा, तो डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये डायरेक्शन किससे मैच करेगा, ये डायरेक्शन मैच करेगा थर्ड से, तो इसमें हम मैच कर दोगे किससे, थर्ड से, नहीं यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं दिया ना, कॉन्स्टेंट ओमेगा नहीं दिया ना, तो यहाँ पे डी में कर देना, एक और ऐड कर देना, टेबल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज विथ कॉन्स्टेंट ओमेगा, कॉन्स्टेंट ओमेगा, इसको डी तो इसको ई कर देना, इसको एफ कर देना, ठीक है। इसका मैच किससे हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड से हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा आपको थर्ड से। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, इतना बच्चा कितना आराम से पढ़ाते हैं फिर भी उसे दिलाते हो। अब क्या है, ओमेगा इंक्रीजिंग का कैसे, डिक्रीजिंग का कैसे, देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ओमेगा है ना, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज है तो वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो रेडियस क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रेडियल तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ओमेगा इंक्रीज करने के साथ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर टेंजेंशियल की बात करेंगे तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, along the direction of velocity, speeding up कैसे ना, ऐसे समझ सकते हैं, speeding up कैसे, तो क्या होगा, velocity और acceleration दोनों क्या होगा, same direction में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो at भी क्या होगा, इस direction में होगा, at भी क्या होगा, इस direction में होगा, तो क्या हो जाएगा, जो net हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a net, ठीक है। ये किससे मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा फोर से, ये मैच हो जाएगा फोर से, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, yes. तो मैच कर लो फोर से। ऐसा क्या था जो नहीं कर सकते थे, अगेन देख लो, लास्ट वाला भी कर देते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बताओ लास्ट वाला, कम से कम ओमेगा अगर डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सर वन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा डिक्रीजिंग है ना, ठीक है, ओमेगा डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होगा, स्लोइंग डाउन का कैसे, तो जिधर की वेलोसिटी होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। इधर की ओर वेलोसिटी है, इधर की ओर वेलोसिटी है, तो एटी क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। स्लोइंग डाउन का कैसे, ए क्या हो जाएगा आपको, ए रेडियल हो जाएगा, तो नेट क्या होगा, इस डायरेक्शन, ठीक है, नेट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा आ गया, ऑप्शन टू ना, यस, ऑप्शन क्या जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन टू हो जाएगा, वन तो कहीं नहीं आएगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी रिएक्शन देखने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा नेट एक्सटेंशन से, ठीक है, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पर जो भी क्वेश्चन बेस्ट रहेंगे वो सब क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, एक बार मेरे को 10 बजे के अराउंड कोई मैसेज कर देगा सर होमवर्क के लिए, ठीक है, अभी मेरे को जाना है तो मेरे को कोई 10 बजे के अराउंड होमवर्क के लिए मैसेज कर देना, और जो भी क्वेश्चन रह गया है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे 8 बजे के बाद कि हम सॉल्व कर दें। ठीक है, आज बोले थे कि 8 बजे के बाद ही सॉल्व करेंगे, लेकिन 8:15 तक क्लास चल गया, तो फिर मेरे को भी जाना है थोड़ा सा। जो भी होमवर्क है, जो भी डॉट है, नेक्स्ट क्लास में 8 बजे के बाद लंबा रुकेंगे हम लोग, 8:30 तक, 8:45 जितना देर रुकना होगा रुकेंगे और सॉल्व कर लेंगे जो भी डॉट रहेगा। ठीक है, और होमवर्क के लिए मेरे को कोई याद दिला देना 10 बजे के आसपास कि सर होमवर्क भेज दीजिएगा, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे होमवर्क। ठीक है, बस याद करा देना। यस सर, आज के लिए इतना ही, और थोड़ा पढ़ो।